प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के खानिमपुर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नेटवर्क के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसमें 101 घरेलू कनेक्शन और एक औद्योगिक कनेक्शन के पहले चरण में पाइप प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति तथा 13 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट तथा 8 सीएनजी स्टेशनों का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 5 महिलाओं को घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस के कनेक्शन का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएनजी स्टेशन एवं ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराने के लिए टोरेंट गैस कंपनी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने पूरे देश को रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य किया। रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता तथा ईंधन का बेहतरीन माध्यम है तथा इसके दूसरे विकल्प के रूप में अब पीएनजी की आपूर्ति का शुभारंभ हो रहा है। अब सिलेंडर को लाने व ले जाने की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब घर घर में पानी की तर्ज पर रसोई गैस भी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जहां सिलेंडर नहीं मिलते थे, अब हर घर में रसोई गैस जाएगी। साथ ही सिलेंडर की तुलना में यह सस्ती भी होगी। इसमें 35 से 40% बचत देखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टोरेंट गैस को गोरखपुर नगर के अंदर मार्च तक 10,000 परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाइप प्राकृतिक गैस के द्वारा उपलब्ध रसोई गैस में जितना गैस खर्च करेंगे उतना ही गैस का बिल आएगा और चोरी की समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के विकल्प के रूप में सीएनजी गैस है जो सस्ता है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर इन जनपदों के लिए टोरेंट द्वारा पीएनजी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। टोरेंट द्वारा प्रदेश के 15 जनपदों में बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज 13 ऑक्सीजन प्लांट भी लोकार्पित हो रहे हैं। कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान ऑक्सीजन के भीषण संकट का सामना करना पड़ा था। उस समय टोरेंट गैस जैसी संस्थाएं भारत सरकार के साथ साथ हमें बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन आपूर्ति कराने में मदद की थी। टोरेंट ने मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 5 करोड़ सहायता प्रदान की थी, जिससे कोरोना से बचाव की लड़ाई में मदद मिली थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को 127 ऑक्सीजन प्लांट दिए, साथ ही टोरेंट ने भी 13 ऑक्सीजन प्लांट दिया और राज्य सरकार ने अपने स्तर से ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। इस प्रकार कुल 547 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें 490 के लगभग ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बनाने में इन ऑक्सीजन प्लांट की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग व्यवस्था से जुटकर कार्य करेंगे और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक सहजनवा ग्रामीण बासगांव, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं टोरेंट गैस कंपनी के डायरेक्टर जीनल मेहता एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मराठी 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 मराठी
बैठ जाइए, बैठ के बैठ के बैठ इधर आ जाओ। ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट्स के लोकार्पण और घरेलू गैस कनेक्शन के आवंटन पर आगे स्वागत नमन करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत कार्यक्रम का प्रथम हमारे टर्निंग गेस्ट की उस कार्यप्रणाली को एक रूप देते हैं ऑडियो एक राज्य जो भारत और उसके समृद्ध इतिहास की एक प्रतिष्ठित परिभाषा है और समाज धर्म संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था के विकास और बढ़ोतरी का ऐतिहासिक गवाह रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भविष्यवादी दृष्टिकोण और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विकासात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज तरक्की की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। जौंग गैस को इस प्रगतिशील यात्रा में एक महत्वपूर्ण योगदान करता होने पर गर्व है। 1959 से भारत के स्वास्थ्य ऊर्जा और गैस क्षेत्र में अग्रणी जौंग ग्रुप का एक प्रभावशाली हिस्सा जौंग गैस यूपी की आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय विकास की ओर कार्यरत है। 100 से अधिक सीएनजी स्टेशन और 12,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन के साथ हम पूरे उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। भविष्य के उन्नत ईंधनों में से एक सीएनजी पेट्रोल और डीजल का एक किफायती योग्य कुशल और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, जबकि पीएनजी उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा सुविधा तथा बचत प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश की प्रगति और विकास की हमारी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के अंतर्गत बेहतर ईंधन और एक सुविधापूर्ण जिंदगी के सपने के साथ हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं गोरखपुर की ओर। जौंग गैस गोरखपुर के लिए लघुवती और दीर्घावधि योजनाओं के साथ तैयार है, जिसके अंतर्गत मार्च 2022 तक 10,000 घरेलू 30 वाणिज्यिक और 13 औद्योगिक पीएनजी कनेक्शन की स्थापना करने जा रहा है। एक दूरदेशी पहल के साथ जौंग गैस वर्ष 2026 तक यूपी में 3300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसमें से 900 करोड़ रुपए गोरखपुर को समर्पित होंगे। ये यूपी में 8,00,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शन और 225 सीएनजी स्टेशनों के लिए मंच तैयार करेगा, जिसमें से 1,70,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शन और 40 सीएनजी स्टेशन गोरखपुर संत कबीर नगर और कुशीनगर में होंगे। ये परियोजना गोरखपुर में 170 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन और 3,000 किलोमीटर एनटीपीई पाइपलाइन की सक्रिय स्थापना सुनिश्चित करेगी, जो गोरखपुर के लाखों परिवारों के जीवन में खुशियां लाएगी। इन प्रगतिशील पहलुओं से हम न केवल विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि बेहतर ईंधन के साथ जीवन के तरीके को बदल रहे हैं, जो कि किफायती पर्यावरण के अनुकूल और संधारणीय है। एक बेहतर भविष्य के गठन में हमारा साथ देने और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम हैं जौंग गैस। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। शुरुआत हो चुकी है, उसके हमारे कुछ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मान करने के लिए परमादर ईश्वर ने यशस्वी माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हुए अपने कदमों छाया पूनम सिंह कामना त्रिपाठी घरेलू गैस हमारी देश कामना त्रिपाठी हमारी सभी बहनों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते
हुए परमानंद सदे यशस्वी माननीय महिला सशक्तिकरण एक साथ एक ऐसा अभिभावक एक ऐसे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी उनके चरण में हम सदैव वंदन करब अभिनंदन करब उनका कहें कि उनकर सोच गोरखपुर खातिर जौन बाटे वो आप लोगों के समक्ष रोज प्रतिदिन लौकता हम उनके प्रणाम करब अपनी अंतरात्मा से हम उनका स्वागत करब माननीय जयप्रकाश निषाद जी महापौर जी शीतल पांडे जी विधायक जी विभूल सिंह विधायक जी विमल पासवान जी विधायक जी सीताराम जायसवाल जी युधिष्ठिर सिंह जी जिलाध्यक्ष प्रदीप शुक्ला जी अश्विनी त्रिपाठी जी और समस्त मंचा सिंह जितना वर्ण अधिकारी गण और देवपुर जनता कभी सपना में हम ना सोचने रहे कि उत्तर प्रदेश में पाइप से गैस मिली हमार माई टीम भी पहले हमके फोन कैले हमार माई गांव में रहा है जौनपुर तो माई से बात करे तो माई कहले जे बच्ची हमारे का बोल रहे माई बोले 1000 रुपया बाटला हो गई बोले हम समझे नहीं बोले का 1000 रुपये में माँ कह रही थी कि बाटले का जो गैस आता है घर में वो 1000 रुपये कीमत हो गया बहुत महंगा हो गई कैसे हुई योगी जी से कहा हमारे माई की मालूम है बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन हम जान रहे थे मेरी माँ क्या कहना चाह रही है और आज आप लोगों के समक्ष मैं कहूँ महाराज जी को या मैं बात करूँ कि महाराज जी इसको कैसे उपाय होगा तो आज आप लोगों के समक्ष ये टॉरेंट लेके आ गए एक ऐसा गैस कनेक्शन जो ये आप लोगों को महीने का बिल 400 रुपया तक आएगा 450 रुपया तक आएगा जो 1000 रुपया 900-800 रुपये का आप लोगों देते हैं लेना देने का झंझट खत्म लिया हुआ खोजा होके बांटला गई मेहमान बैठल हुआ तो चूल्हा बंद हो गई बिल्कुल खत्म हो अब अपना जलाइए पाइप आ रहा है पहुंच रहा है 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 900 करोड़ रुपया टॉरेंट यहाँ पे गोरखपुर में लगा रहा है जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए 900 करोड़ रुपया और इससे जो प्रधानमंत्री जी बड़ा प्रसन्न होंगे जो मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी बड़ा प्रसन्न होंगे एक तो पोल्यूशन खत्म होगा पोल्यूशन फ्री होगा सीएनजी है अब वाहन के लिए भी आप लोग देख रहे हैं गैस स्टेशन है दिल्ली मुंबई में कॉमन हो चुका है गोरखपुर में आ रहा है पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में ये टॉरेंट ने बहुत अच्छा किया महाराज जी ने इन लोगों का जो हौसला अफजाई की महाराज जी तुरंत कोनो काम होला हाँ बोला ना जहां पर भी आप ग्रेडेशन है जहां भी गोरखपुर को आगे आना है उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल को आना महाराज जी आगे करते हैं आप लोगों के सामने लाइन लगा है आज 100 लोग के घर में आज लेकर लाइट जल जाएगा जैसे बताइए 100 लोग के बाद में ये पहुंचते 10000 तक जाएगा इन लोगों का प्लान है अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी तक पूरा कवर करने का एक लंबी लिस्ट है महाराज जी के साथ और भी कार्यक्रम में जाना ऑलरेडी लेट आए मैं ज्यादा समय ले लूंगा आप लोगों के समक्ष है बस यही करें कि अपने आप को धन्यवाद दें कि पूज्य महाराज जी एक अभिभावक के रूप में मिले महाराज जी ने वो उत्तर प्रदेश को दिखा दिया वो गोरखपुर को दिखा दिया जो हम लोग सपने में नहीं सोचते थे जो हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा गोरखपुर होगा ऐसी सारी सुविधाएं होंगी और बिना कोई हमारा ख्याल रखेगा कि हम लोग मुंबई दिल्ली या किसी भी शहर से हमारा गोरखपुर हमारा पूर्वांचल हमारा उत्तर प्रदेश कहीं भी कम नहीं जय हो महाराज की दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव सिटी गैस स्टेशन क्या शेष उद्घाटन कार्यक्रम और प्रदेश में 13 ऑक्सीजन प्लांट आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री अमरीकन शुक्ला जी राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी माननीय विधायक श्री शीतल पांडे जी श्री विपिन सिंह जी डॉक्टर विघ्नेश पासवान जी महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी उत्तर प्रदेश आवास
विकास निगम के उपाध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी जी, टोरेंट समूह के एमपी से जीनेश मेहता जी, ईडी टोरेंट गैस के नरेंद्र कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकों और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ सीएनजी स्टेशन और ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराने के लिए मैं टोरेंट गैस को प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी रवि किशन जी आपके सामने कह रहे थे, उनकी माता जी ने उनको अपने भोजपुरी में कैसे फटकार लगा रही थी कि एक रसोई गैस के सिलेंडर का दाम क्या हो गया। लेकिन उसका भी एक विकल्प हो गया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पूरे देश को पहले फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रारंभ किया और रसोई गैस का सिलेंडर स्वच्छ ईंधन का बेहतरीन माध्यम है, इसका दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन अब सिलेंडर को लाने ले जाने की समस्या न हो, इस दृष्टि से अच्छा होगा कि अब आपके घर में पानी की तर्ज पर रसोई गैस भी पहुंचे और खाने को देख रहा था खानीपुर गांव के लोगों को, जहां पहले सिलेंडर नहीं मिलते थे, अब वहां पर इस स्टेशन के माध्यम से रसोई गैस उनके घर में जाएगी और घर में जाएगी भी साथ साथ सिलेंडर की तुलना में यह सस्ती भी होगी, सस्ती पड़ती है। हम लोग इस बात को देखते थे कि जिस परिवार में महीने में दो सिलेंडर लगते थे और दो सिलेंडर में जितना खर्चा आता था, पीएनजी के कनेक्शन के बाद वहां पर खर्चा लगभग सवा सिलेंडर से डेढ़ सिलेंडर के बीच में सीमित रह गया था। यानी इतनी बचत होती है, लगभग 35-40% तक बचत देखा गया है। इतना सस्ता, स्वस्थ और दूसरा सिलेंडर ले जाने ढोने की समस्या समाप्त। भाई अगर जवान हो तो कोई बात नहीं, फिर अभी किसान तो सिलेंडर उठा के लेके चल सकते, लेकिन सीतामावा कैसे लेके जाएंगे? या सीताराम जी के सिर में अगर आप सिलेंडर रख के बोलेंगे कि सीताराम जी आपको सिलेंडर लेके चलना है, तो बेचारे की क्या हालत होगी? इनके लिए एक विकल्प है और वह विकल्प है पाइप नेचुरल गैस की, पीएनजी की, जिसको अभी दिया गया है खानीपुर के 5 महिलाओं को। यहां पर अभी उसका कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है और बहुत सुरक्षित है, बहुत स्वस्थ है और सस्ता भी। तो मैं इसके लिए खानीपुर के नागरिकों को और आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। टोरेंट गैस को जो लक्ष्य दिया गया है कि वह गोरखपुर नगर के अंदर मार्च तक 10,000 परिवारों को ये कनेक्शन उपलब्ध करवा दे, एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर के कार्यक्रम चल रहा है। एक तरफ तो इस समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा, कोई भी मौसम हो, किसी भी स्थिति में हो, आप जितना रसोई गैस खर्च करेंगे उतना ही आप पे बिल आएगा, चोरी की समस्या भी समाप्त। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि सिलेंडर से चोरी हो गया, इसमें तो मीटर में आएगा आपने कितना
खर्च किया उतना ही आपके पास आएगा। और दूसरा, डीजल और पेट्रोल का भी एक नया विकल्प आ गया है, सीएनजी। उससे सस्ता भी है, उससे स्वस्थ ईंधन भी है और बेहतरीन माध्यम भी है। गोरखपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर, इन तीन जनपदों के लिए टोरेंट ने वर्तमान में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के 15 जनपदों में बेहतरीन तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। टोरेंट गैस हमारे यहाँ पहले से ही आगरा में कार्य कर रहा है। बिजली के क्षेत्र में उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा प्रयास किया है। बिजली चोरी कैसे रुकनी चाहिए और उसका एक नया विकल्प इन्होंने स्पीड में आकर के आज देना प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए टोरेंट गैस को हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और गोरखपुर वासियों को जिन्हें आज जो उपहार मिल रहा है इसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज यहां पर 13 ऑक्सीजन प्लांट भी लोकार्पित हो रहे हैं। आप याद करिए कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी कोरोना की दूसरी लहर आई उसने ऑक्सीजन का भीषण संकट खड़ा किया और टोरेंट गैस जैसी संस्थाओं ने ही हमें बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने में या कोरोना के दौरान गरीबों को फ्री में उपचार मिले। भारत सरकार के साथ साथ हमें इस प्रकार की संस्थाओं ने जो योगदान दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहायता इन्होंने उस समय दी थी, जिससे कोरोना के उपचार के लिए सरकार संसाधन के अभाव में इधर उधर कई हाथ न फैलाना पड़े, चाहे वह पीपी किट का हो, सैनिटाइजर का हो या अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे, इन सभी को पल्स ऑक्सीमीटर देना हो, अल्ट्रारेड थर्मामीटर की आवश्यकता हो, जिस भी आवश्यकता को उन्होंने राज्य सरकार को अपने स्तर पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उस समय सहयोग किया था और आज 13 ऑक्सीजन प्लांट उनके द्वारा यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनका लोकार्पण हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने के समय कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 127 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश को दिए, 127 प्रधानमंत्री जी ने दिए, टोरंटो ने 13 दिए और राज्य सरकार भी अपने स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगा, कुल 547 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, जिनमें से अब तक हमारे लगभग 490 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट हमारे अब तक तैयार हो चुके हैं, जिनमें ये 13 टोरंट गैस के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। मैं टोरंट गैस को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बनाने की मैं इसकी बड़ी भूमिका होगी, बहुत बड़ी भूमिका होगी। कोरोना जैसी महामारी के दौरान ऑक्सीजन की जो क्राइसिस हुई थी और उस दौरान बहुत सारे लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया था, ब्लैक मार्केटिंग की थी। आने वाले समय में जब हॉस्पिटल में स्वयं ही एटमोस्फियर से ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से टोरंट गैस को धन्यवाद देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के अंदर स्वस्थ ईंधन की इस नई परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गोरखपुर वासियों को आज इस योजना के प्रारंभ होने के लिए हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ने का कार्य करेंगे और शासन की योजनाओं का लाभ लेकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।